अब देखो बच्चों, अब आगे वाले जो उदाहरण नंबर 9 के जो चार पार्ट है, हमने टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स के समाकलन किए थे। अब जो आगे हैं कोस, जैसे पहला है कोस लोग एक्स डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, लोग एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। कि माना क्यों मानेंगे, ये लोग एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करने पर डी एक्स अपॉन एक्स आ रहा है। अवकलन करने पर क्या आ रहा है, डी एक्स अपॉन एक्स। तो माना लोग एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। माना लोग एक्स बराबर टी, इनका अवकलन करो, वन अपॉन एक्स और एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन टी, डी एक्स अपॉन एक्स तो डी टी आ गया और लोग एक्स बराबर टी आ गया, तो क्या आ जाएगा, कोस टी डी टी। कोस टी डी टी का समाकलन क्या होगा, प्लस का साइन टी प्लस सी। टी का मान रखिए लोग एक्स, आई बराबर साइन लोग एक्स प्लस में सी आ जाएगा, यह। तो कोस लोग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, लोग एक्स बराबर टी मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो क्या आ जाएगा, कोस टी डी टी। कोस टी का समाकलन साइन टी प्लस सी, टी का मान रखेंगे लोग एक्स प्लस में सी। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। कि डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो आई बराबर ई की पावर टी डी टी, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स प्लस में सी होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर t प्लस में c, e की पावर t प्लस में c, t का मान रखिए साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस में c आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में c। अब साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, तो रूट एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। रूट एक्स बराबर क्या मान लेंगे, t। माना रूट एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे वन अपॉन रूट एक्स एक बटे दो रूट एक्स डी एक्स बराबर टी का अवकलन डी टी, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स दो डी टी। डी एक्स अपॉन रूट एक्स है वो क्या आ जाएगा, दो डी टी। कि माना रूट एक्स बराबर टी, रूट एक्स का अवकलन करेंगे वन अपॉन दो रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर डी टी। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, साइन टी डी टी। साइन टी का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस का कोस टी प्लस सी। तो टी का मान, कोस टी का मान रूट एक्स प्लस में सी, ये आ जाएगा साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। तो रूट एक्स बराबर टी मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे वन अपॉन दो रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर दो डी टी। अब इसका अवकलन दो डी टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स दो, सॉरी दो यहाँ गुणा में आएगा और यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, दो कोस टी प्लस सी। टी का मान रखेंगे, टी का मान क्या है, रूट एक्स प्लस में सी आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर पाँच एक्स से क्या है, इनको डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोस स्क्वायर पाँच एक्स प्लस दो है, या हम क्या मान लेंगे, माना पाँच एक्स प्लस दो बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। पाँच एक्स प्लस दो बराबर क्या मान लेंगे, टी। माना पाँच एक्स प्लस दो बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे
पाँच एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी पौन पाँच, आई बराबर एक बटे पाँच, डी टी पौन कोस स्क्वायर टी, एक बटे कोस स्क्वायर टी क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, तो आई बराबर एक बटे पाँच सेक्स स्क्वायर टी डी टी, सेक्स स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी, एक बटे पाँच टेन टी प्लस सी, टी का मान पाँच एक्स प्लस दो, एक बटे पाँच टेन पाँच एक्स प्लस में दो प्लस में सी आ जाएगा, यस। तो डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर पाँच एक्स प्लस दो, पाँच एक्स प्लस दो बराबर टी मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे, पाँच एक्स का अवकलन डी एक्स बराबर डी टी पौन पाँच, एक बटे डी टी क्या आएगा कोस स्क्वायर टी, एक बटे कोस स्क्वायर टी है वो क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, सेक्स स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है टेन टी, और टी का मान पाँच एक्स प्लस में दो आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो x के सापेक्ष समाकलन करना है उदाहरण नंबर 10, लोग x प्लस उदाहरण नंबर 10 पहला क्वेश्चन है, लोग x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या मान लेंगे लोग, लोग x प्लस, लोग x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या मान लेंगे t, तो ये हर वाला अवकलन आ रहा है डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, हर वाला क्या आ रहा है अवकलन, तो माना लोग x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया t, कि माना लोग x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, इसका अवकलन करो, लोग x का अवकलन क्या आता है एक बटा x, अवकलन करने पर एक बटे लोग के अंदर जो फलन होता है वो किस में आ जाता है बटे में आ जाता है, एक बटे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डॉट एक्स का अवकलन एक प्लस रूट का करते हैं क्या आता है एक बटे दो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वन का अवकलन जीरो एक्स स्क्वायर का दो एक्स, फिर एक्स का डी एक्स, टी का डी टी, दो से दो कैंसिल, तो हमारे पास एक बटे एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये कैंसिल, डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो इनके स्थान पर हम लोग टी और डी टी आ जाएगा, सॉरी लोग का पूरे का माना है, तो इनको हम क्या मानेंगे टी मान लेंगे, क्या मान लें टी माना है बराबर टी डी टी, तो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से टी डी टी का समाकलन क्या होगा टी स्क्वायर पॉन टू प्लस में सी, तो आई बराबर टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी का मान रखेंगे प्रतिस्थापित, टी का मान क्या है
लोग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। पीटी का मान रखने पर तो आई बराबर लोग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आई बराबर अपॉन दो प्लस में सी आ जाएगा, ये अवकलन आ जाएगा इसका। समझ में आई बात? दोबारा देखो इसको, लोग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो लोग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया हमने, टी। अवकलन करेंगे लोग का, क्यों इसको टी माना है, इसका अवकलन करेंगे एक बटे एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, डॉट एक्स का अवकलन एक, रूट का करेंगे वन अपॉन रूट टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे वन का अवकलन जीरो, एक्स स्क्वायर का दो एक्स, दो से दो कैंसिल, एलसीएम लेंगे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये दोनों कैंसिल, डी एक्स अपॉन क्या आया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, आई बराबर क्या आ गया टी डी टी, इसका समाकलन करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस में सी, टी का मान रख देंगे। अब सेकेंड sec x log sec x प्लस टेन एक्स, sec x log sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो log sec x प्लस टेन एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। log sec x प्लस टेन एक्स बराबर t मानेंगे तो sec x डी एक्स बराबर डी टी आ रहा है। लोग sec x प्लस टेन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, t, तो sec x dx बराबर dt आ जाएगा। कि माना माना लोग sec x प्लस टेन एक्स बराबर t मान, लोग sec x प्लस टेन एक्स बराबर t, इसका अवकलन करेंगे अवकलन करने पर तो एक बटे में क्या आया sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। फिर sec x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, sec x डोटे टेन एक्स, फॉर्मूले याद रखना है आपको, भूल मत जाना। sec x का अवकलन sec x डोट टेन एक्स, फिर टेन एक्स का अवकलन sec square x, x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। तो अब इसमें sec x है वो क्या ले लेंगे कॉमन, sec x कॉमन लेंगे क्या आएगा tan x प्लस sec x, और tan x प्लस sec x dx बराबर dt, ये कैंसिल, sec x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, sec x dx बराबर इनके स्थान पर dt, तो हमारे पास क्या आ गया टी डी टी। अब समाकलन करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस में सी, टी का मान रखेंगे लोग सेक एक्स प्लस ए टेन एक्स, आई बराबर लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस में सी आ जाए। समझ में आ गई बात, कैसे करेंगे सेक एक्स लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो लोग sec x प्लस टेन एक्स बराबर t करेंगे, एक बटे sec x प्लस टेन एक्स लोग का, फिर sec x प्लस टेन एक्स का करेंगे तो sec x डॉट टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस डॉट टी एक्स बराबर डी टी। sec x कॉमन ले लेंगे क्या रहेगा टेन एक्स प्लस sec x, दोनों कैंसिल, sec x dx बराबर डी टी, आई बराबर टी डी टी, तो क्या आएगा टी स्क्वायर बटे दो प्लस में सी,
टी का मान रखेंगे लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस में सी आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें वन प्लस टेन एक्स है उनका देखते हैं, वो आगे वाले वीडियो में मैं बताता हूँ थोड़ा। तीसरा डी एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, हर के परिमेयकरण से तो होगा नहीं, हर के परिमेयकरण से होगा नहीं, साइन और कोस में चेंज होगा, इसको हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ओके।